हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, नायका नूतन जैसा हो। ढोकराहा पंचायत क्षेत्र संख्या 19 से बीडीसी उम्मीदवार निहारिका नूतन कर रही जनसंपर्क। विशाल द्विवेदी ने बताया कि निहारिका नूतन एक शिक्षित महिला और पेशे से वकील है। एक शिक्षित उम्मीदवार ही क्षेत्र का विकास कर सकता है। ढोकराहा पंचायत के लोग तन मन से समर्थन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने लगाया जिंदाबाद का नारा। और हम लोग सभी जो है ग्रामवासी निहारिका नूतन जी के सपोर्ट में है, जो कि बीडीसी में लड़ रही है। आप क्यों निहारिका नूतन जी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या ऐसी खूबी है? सब उनका उनको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पंचायत में अभी तक जो भी नॉमिनेशन हुआ है बीडीसी में, उनमें सभी लोगों से पढ़ी लिखी हुई योग्य उम्मीदवार हैं। ये कर्मठ है, इनको किसी भी अफसर से या फिर कोई भी काम करने में हिचक नहीं है। और ये ऑलरेडी जो है पेशे से वकील हैं, इसलिए या ये जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं की जो अभी हम लोग के समाज में दशा है, उनको जो है कुछ अलग तरीके से अपने मतलब नया तरीके से जो है महिलाओं को नई सोच देने वाली हैं। और पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक ये विकास करेंगे, बस ऐसे ही हम लोग सपोर्ट करें। मेरा नाम अनूप कुमार द्विवेदी हुआ, मैं लोकराम पंचायत का निवासी हूँ और मैं निहारिका नूतन के सपोर्ट में हूँ। क्यों सपोर्ट में जी? मैं आज तक जितनी समाज में कुरीतियाँ आई है और उसको दूर करना है, और हमारे यहाँ जो भी महिला उम्मीदवार का सीट है, जनरल महिला उम्मीदवार का सीट, चूँकि निहारिका नूतन सबसे पहला चीज़ ही है कि वकील है पेशे से और पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। बाकी सब लोग जो भी इस पंचायत में उम्मीदवार हैं बीडीसी का, पंचायत समिति का, वो सब लोग निरक्षर हैं। हम लोग शिक्षित उम्मीदवार को ही चुनेंगे। बावा से ढोकराहा पंचायत से मैं बीडीसी उम्मीदवार हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारी कमियों को देख रही हूँ, जो सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है और जो यहाँ के लोगों में ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने आई हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और मैं इस क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता और भागीदारी के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो महिला की सीट है उस पर महिला उम्मीदवार लोगों के बीच में आए, लेकिन मैं अकेली महिला हूँ जो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही हूँ और सब कुछ खुद ही देख रही हूँ। हर लोग बस अपने अपने पति के आड़ में यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इस भेदभाव को भी ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे महिलाओं का विकास हो, महिला उत्थान हो और महिला सशक्तिकरण हो। मैं चाहती हूँ यहाँ के लोगों से, मैं यहाँ की जनता से विनती करती हूँ कि यहाँ के अपने उम्मीदवार को पहचाने और उम्मीदवार को वोट दे, ना कि उसकी पति को दे, क्योंकि सरकार भी इन चीज़ों पर लगी हुई है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से उठ रहा है वही हर चीज़ में भाग ले। मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगी कि मुझे वोट दे, सपोर्ट दे, ताकि मैं यहाँ पे जनता के बीच में रहूँ और जनता का विकास करूँ। धन्यवाद। बेतिया से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।